थोड़ा वायर हो रहा है काम से प्रचलन हो रहा है। उद्घाटन करने कुशल राजनीतिज्ञ तथा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन जी बैठे हैं और उनका बड़े आदर से स्वागत करते हैं। तथा जल प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख डॉक्टर पवन लापसेटवार आज हमारे साथ है। इस कार्यशाला में निधि से सक्रिय योगदान के लिए हम आभार प्रकट करते हुए उनका हमें खुशी है कि जनाब मैं यदि सुरक्षा का अभियान चलाता हूं तो पहले निकटवर्तियों को, फिर अपने मोहल्ले को, अपने शहर को और इस तरह अपने पूरे प्रदेश को और देश को सुरक्षा भला कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, हम खुद के लिए कर रहे हैं। इस भावना से हमारे सभी सदस्य, हमारे जितने सदस्य हैं, स्वेच्छा से इस अभियान में आए हैं, मेंबर बने हैं। नितिन जी, हम किसी से पैसा लेते नहीं। जो टी शर्ट भी हमने पहन रखी है वो हमने अपने पैसे से खरीदी है। कि अनेक अधिकारी ऐसे जो शासकीय सेवा से काफी बड़े पोस्ट पर थे, रिटायर्ड हुए हैं, 11 साल के कार्य की एक बहुत अच्छी सफलता है। ये जो समस्या है इसकी तीव्रता, लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और 3 लाख लोग सीरियस इंजर्स होते हैं। रूप से हमारे लिए एक गंभीर संकट है। हमारे देश के जीडीपी में 3. और मुझे लगता है कि आने वाले समय में रोड भी बड़े बन रहे हैं और हम ऑटोमोबाइल को वर्ल्ड का नंबर एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, तो गाड़ियां भी बहुत बढ़ रही है, स्कूटर भी बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से हमें ये भी चिंता करनी होगी कि एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। रोड सेफ्टी, रोड सेफ होने चाहिए। और आजकल तो अभी मुंबई से नागपुर 5 घंटे में हुआ। अभी मैं जो रोड बना रहा हूँ वो नागपुर से पुणे 4.5 घंटे में हो जाएगा। तो अब नेचुरली रोड एक्सेस कंट्रोल है। अब औरंगाबाद से पुणे 2 घंटे बोल रहे पर वो ऐसे बना रहे कि वो 1.5 घंटे में जाएगा और यहाँ से औरंगाबाद 3 घंटे में, यानी 4.5 घंटे में पुणे। तो ऐसे जो रोड बन रहे सब जगह पर अब देश में, तो फास्ट स्पीड को ध्यान में लेते हुए डिसिप्लिन इन लेन, लेन डिसिप्लिन, उसके सब के बारे में हमको बड़े प्रमाण पर लोगों को, ट्रक ड्राइवर को सिखाना होगा। दूसरा एक प्रॉब्लम है कैटरेक्ट, आँखें। बहुत से ड्राइवर ऐसे कि जिनके आँखें उनमें कैटरेक्ट हुआ है, तो आप ये डॉक्टरों की मदद से जिनके जिनके जितने ड्राइवर हैं कई टोल नाके पर या कर उनको रोक कर उनके आँखें चेक करना और ये